हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान का पिटारा आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। छत्तीसगढ़ में कौन क्या बने हैं, कौन क्या हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में प्रथम हुए लोगों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के विधानसभा मतदान के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नवंबर 2018 में मतदान हुए, जिसमें टोटल मतदान हुए 76.35%। अब बात आती है कि कहाँ सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, तो कुरुद में सबसे ज़्यादा 89% हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान बीजापुर में 47.35% हुआ। दोस्तों, यह मतदान दो चरणों में हुआ था। पहला 12 नवंबर को 18 सीटों के लिए हुआ था, जबकि बाकी सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान हुआ था। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहे थे सुब्रत साहू जी। दोस्तों, इस बार एक नई चीज़ हुई थी, वह यह थी कि इसमें ट्रैकिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इस ट्रैकिंग ऐप्स का नाम था सी टॉप्स, स्पेलिंग बोल देता हूँ, CTOPP और S। इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ ट्रैकिंग ऑफ पोलिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, इसके जरिए यह किया गया था कि मतदान केंद्र में हो रहे मतदान और पंक्ति में लगे हुए मतदाताओं को देखा जा सकता था। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी जितने भी पदाधिकारी थे या दल थे, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती थी। इसमें करते ये थे कि जितने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी था, जिला निर्वाचन अधिकारी थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, पुलिस अधीक्षक हैं, ये सब एक दूसरे से शेयरिंग के जरिए अपडेट हो रहे थे। तो दोस्तों, ये हो गई ट्रैकिंग ऐप के बारे में। और इसका निर्माण सी टॉप का निर्माण किया था चिप्स ने। अब बात आती है कि इसमें 68 सीटों पे कांग्रेस ने कब्जा किया है। अपने राज्यपाल जी ने आनंदीबेन पटेल हैं, इन्होंने तीन मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। और तीन नेता कौन कौन से हैं? भूपेश बघेल, दूसरे हैं TS सिंहदेव जी, और तीसरे हैं ताम्रध्वज साहू जी। इन तीनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल के लिए शपथ दिलवाई गई थी। कहाँ दिलवाई गई थी? तो रायपुर के बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इनको शपथ दिलाई गई थी। अब दोस्तों, हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मंत्री बने हैं और उनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल 12 मंत्री इस बार बनाए गए हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि मंत्रियों की संख्या विधानसभा के जितने भी सीट होते हैं उसका 15% लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो देखते हैं क्रम से उन 12 मंत्रियों को कौन कौन है। प्रथम है भूपेश बघेल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर। इनके विभाग हैं सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनन, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य विभाग जो बाकी मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं। दूसरे हैं TS सिंहदेव जी, इनका है पंचायत, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, आर्थिक, GST इत्यादि। तीसरे हैं ताम्रध्वज साहू, इनको दिया गया है PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग, जेल, धर्म, गृह एवं पर्यावरण। चौथे हैं रविंद्र चौबे जी, इनको संसदीय कार्य, विधायी कार्य, पशुपालन, कृषि, मछली पालन इत्यादि दिया गया है। मोहम्मद अकबर की बात करते हैं, इनको परिवहन, आवास, पर्यावरण, वन विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग प्रदान की गई है। अगले हैं उमेश पटेल जी, इनको उच्च शिक्षा व तकनीकी मंत्री बनाया गया है और विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदत्त की गई है। अगले आते हैं जयसिंह अग्रवाल। जयसिंह अग्रवाल को राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, पंजीयन, स्टाम्प दिया गया है। अनिला भेड़िया जी महिला बाल विकास मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं। शिव डहरिया जी नगरी प्रशासन, विकास और श्रम दिया गया है। उसके बाद आते हैं गुरु रुद्र कुमार, इनको दिया गया है लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और ग्रामोद्योग। फिर हैं प्रेम साय सिंह टेकाम, इनको दिया गया है शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद कवासी लखमा जी, वाणिज्यिक कर यानी कि आबकारी विभाग और उद्योग, इनको प्रदत्त किया गया है। दोस्तों, अब ये देख लेते हैं
इनके क्षेत्र कौन से थे जहाँ से ये विधायक चुने गए। तो भूपेश बघेल जी पाटन से थे, टीएस सिंहदेव जी अंबिकापुर से थे, ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण एरिया से थे, रविंद्र चौबे जो हैं साजा से थे, मोहम्मद अकबर कवर्धा से विधायक चुने गए हैं, उमेश पटेल जी खरसिया से चुने गए, जयसिंह अग्रवाल कोरबा से चुने गए हैं, अनिला भेड़िया डौंडी लोहारा से चुनी गई हैं, शिव डहरिया आरंग रायपुर से हैं, गुरु रुद्र कुमार अहिवारा से, प्रेम साय सिंह टेकाम प्रतापपुर से और कवासी लखमा कोंटा से चुने गए हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गए अपने मंत्रिमंडल के 12 मंत्री और उनको प्रदत्त विभाग। दोस्तों अगली बात करते हैं हमारे संसद सदस्यों की, तो टोटल 16 संसद सदस्य छत्तीसगढ़ में हैं, जिसमें से 11 लोकसभा सदस्य हैं जबकि 5 राज्यसभा सदस्य हैं। उनके नाम भी यहाँ दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहले हैं रमेश बैस रायपुर से हैं, विष्णुदेव साय रायगढ़ से संसद हैं, दिनेश कश्यप बस्तर से हैं, विक्रम उसेंडी कांकेर से हैं, ताम्रध्वज साहू दुर्ग से हैं लेकिन अभी इनको मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया है इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, बंसीलाल महतो कोरबा से हैं, श्रीमती कमला पाटले जांजगीर चांपा से हैं, चंदूलाल साहू महासमुंद से हैं, अभिषेक सिंह राजनांदगांव से सांसद हैं, लखन साहू बिलासपुर से हैं, कमल भान सिंह मरावी सरगुजा से सांसद हैं। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य छत्तीसगढ़ में 5 हैं, जिनमें डॉक्टर सरोज पांडे बीजेपी के हैं, श्री मोतीलाल वोला कांग्रेस से हैं, श्रीमती छाया वर्मा भी कांग्रेस की हैं, श्री राम विचार नेताम बीजेपी से हैं और श्री रणविजय सिंह जुदेव बीजेपी से हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों अन्य पदाधिकारियों की, तो अन्य पदाधिकारियों में मुख्य सचिव हैं सुनील कुजूर। दोस्तों ये नवनिर्वाचित हैं सुनील कुजूर। अगर प्रथम मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की बात करें तो वो थे अरुण कुमार। राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों आनंदीबेन पटेल को कार्यकारी राज्यपाल बनाया गया है, ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। प्रथम राज्यपाल थे डीएन सहाय। डीजीपी पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं डीएम अवस्थी और अगर प्रथम पुलिस महानिदेशक पूछे तो वे थे मनोहर लाल शुक्ल। अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार त्रिपाठी जबकि प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे डब्ल्यू ए शशांक। दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेश बघेल जी को। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम, छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयुक्त हैं पी सी दलई। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है निर्वाचन आयुक्त श्री पी सी दलई जी हैं जबकि निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू हैं जिनके अंडर में सारे निर्वाचन हुए हैं। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं सियाराम साहू। मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत हैं। रेरा के अध्यक्ष, रेरा अर्थात है रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण, इनको बनाया गया है विवेक ढांडे जी को। विधानसभा सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े जी हैं। दोस्तों अब आगे चलते हैं, अब आगे हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन कौन थे या क्या क्या था। पहला प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय या डीएन सहाय। विधानसभा अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। प्रथम मुख्यमंत्री रहे श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। निर्वाचन अधिकारी रहे हैं श्री अजय कुमार सिंह। पुलिस महानिदेशक रहे हैं श्री मोहन शुक्ल। मुख्य सचिव रहे हैं श्री अरुण कुमार। मुख्य न्यायाधीश डब्ल्यू ए शशांक। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की बात करें तो वे रहे हैं मोहन शुक्ल। मुख्य सूचना आयुक्त ए के विजय वर्गी रहे हैं। दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष राजेंद्र पाम भोई थे पहले अध्यक्ष। महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री हेमंत पोर्ते को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले कवि थे कवि दलपतराव। महालेखाकार थे बी के मोहंती। प्रथम में फिल्म, दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहली फिल्म था कही देवे संदेश, इसको डायरेक्ट किया था मनु नायक जी ने और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1965 को। महिला सांसद मीनाक्षी देवी, मीनाक्षी देवी का दूसरा नाम है मिनी माता, ये असम से थी। प्रथम टाइगर रिजर्व इंद्रावती टाइगर रिजर्व 1983, प्रथम टाइगर रिजर्व इसको 1983 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान, ये कोरिया में है और 1981 में इसका गठन किया गया था। प्रथम निबंधकार हैं केवर भूषण जी,
केयूर भूषण जी की रचना रानी ब्राह्मण की दुर्दशा प्रथम निबंध है। छत्तीसगढ़ में प्रथम कहानी की बात करते हैं तो कहानीकार हैं बंसीधर पांडे, उनकी रचना हीरू के कहनी प्रथम कहानी में आता है। दोस्तों आगे चलते हैं, प्रथम नाटककार हैं लोचन प्रसाद पांडे, कलिकाल के लिए इनको प्रथम नाटककार बोला जाता है। कलिकाल की रचना के लिए इनके और रचना है बुतहा मंडल। प्रथम उपन्यास शिवशंकर शुक्ल जी का है मोंगरा। अगर दोस्तों समाचार पत्र की बात करें तो दैनिक समाचार पत्र है महाकौशल, जबकि प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र। दोस्तों यह एक्चुअल में साप्ताहिक समाचार पत्र था जो माधवराव सप्रे द्वारा वर्ष 1900 में बिलासपुर पेंड्रा रोड से प्रकाशित किया गया था। प्रथम आकाशवाणी केंद्र है रायपुर, जबकि प्रथम सीमेंट कारखाना है जामुल दुर्ग में। प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव को बोला जाता है, जबकि प्रथम महाविद्यालय की बात करें तो वह था छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो कि रायपुर में खोला गया था वर्ष 1938 में। और एक और है संस्कृत में शपथ लेने वाले में नंद कुमार साय, यह प्रथम प्रतिपक्ष नेता भी थे। तो दोस्तों ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ में कौन प्रथम थे, कौन कौन मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, यह सब इन सब के बारे में आज हमने जाना। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।